हे हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एमरेन वाइज इकॉन मैक्स स्मार्ट वॉच, जो कि ये स्मार्ट वॉच आपके बजट प्राइस में आने वाली है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और हम इसको बताएंगे कि इस वॉच की क्या क्या फीचर्स हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जो कि आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में हम इसकी फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कि ये हमारा स्मार्ट वॉच कैसा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे स्मार्ट वॉच का बॉक्स कुछ इस तरीके का मिल जाता है हमें। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एमरेन की ब्रांडिंग और वाइज इकॉन मैक्स देख सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर 2.1 इंच का लूसिंग डिस्प्ले आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। अप टू 10 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको मिल जाता है, जो कि 10 डेज से ज़्यादा ये चलेगा आपका, क्योंकि 550 नाइट्स ब्राइटनेस डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी हाई है आपके लिए, क्योंकि 24/7 हर्ट मॉनिटरिंग के लिए दिया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 इनबिल्ट गेम्स दिए गए हैं, आप इसमें 3 गेम्स खेल सकते हैं इस वॉच में। और यहाँ पर 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बार कोड दिया गया है, जिससे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और दिखाते हैं कि हमारा वॉच अंदर से कैसा है। तो देख सकते हैं मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो चलिए करते हैं इसे साइड। तो आप देख सकते हैं हमने बॉक्स को ओपन किया और इसके अंदर हमें कुछ कार्ड्स रिसीव हुए हैं। पहले देख सकते हैं कि एमरेन की लोगो गया है, देख सकते हैं इसमें एक बार कोड हमें रिसीव हुआ है, जो कि ऐप डाउनलोड करने के लिए है। तो चलिए करते हैं इसे साइड और देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं हमें बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग मैग्नेटिक डाटा केबल मिला है, देख सकते हैं, जिससे कि हमारा वॉच चार्ज होगा। तो चलिए करते हैं इसे साइड। तो ये रहा हमारा फाइनली स्मार्ट वॉच, आप देख सकते हैं दिखने में काफ़ी अच्छा इसका लुक है, देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभी बॉक्स को हम साइड। तो गाइस चलिए सबसे पहले अपने वॉच के अंदर आपको हटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा वॉच दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्विच ऑन होते ही यहाँ पर एमरेन की ब्रांडिंग दी गई है, क्योंकि हमारा वॉच काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्ट्रैप क्वालिटी की। तो आप देख सकते हैं इसका जो पट्टा दिया गया है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एमरेन की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर भी आपको लास्ट में एमरेन की लोगो मिल जाता है, देख सकते हैं। और अब देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा वॉच है। तो चलिए हम इसके ऊपर का सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन, साइड बटन आपको मिल जाता है, जो कि ऑन ऑफ़ करने के लिए ऐसे कुछ इस तरीके से, अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये स्विच ऑफ़ करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैग्नेटिक चार्जिंग डाटा पोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर साथ में एमरेन की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कल में बना हुआ है, यहाँ पर ये हार्ट मॉनिटरिंग सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यही सेंसर बताता है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर इनबिल्ट माइक दिया गया है और यहाँ पर एक इनबिल्ट माइक दिया गया है। यहाँ पर दो आपको माइक मिल जाते हैं, यहाँ पर दो स्पीकर मिल जाते हैं, इनबिल्ट स्पीकर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। गाइस अगर आप वॉच के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको भी ना डिस्ट्रक्टिव बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ब्राइटनेस के लिए ऑप्शन मिल जाता है, देखते हैं और यहाँ पर स्मार्ट वॉच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी कैमरा कंट्रोल करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर इसका फ्लैश दिया गया है, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप इस वॉच के साइड की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट मोड आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक फ़ोन कॉल के लिए, यहाँ पर हार्ट मॉनिटरिंग के लिए आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। हार्ट मॉनिटरिंग के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सेंसर काफ़ी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इस वॉच को हाथ में पहना, तो इसलिए देखते हैं कि मेरा ऑप्शन मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, बस स्लिप मोड के लिए आपको मिल जाता है, अगर म्यूजिक प्लेयर को ऑप्शन मिल जाता है और इसमें ब्रेक के लिए भी मिल जाता है, बस ऑटो बटन, आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह
इसको अपने वही टीवी वगैरह भी ले गए हैं। देखते हैं यहाँ पर टाइम के लिए दिया गया, आप देख सकते हैं वही चीज़ दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम खेल दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका फ़ोन कहीं पर है अगर इससे कनेक्ट करके यहाँ पर अपने फ़ोन को आसानी से यहाँ पर फाइन डिवाइस के लिए कनेक्ट अगर आपके फ़ोन से होगा तो आपको फ़ोन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन चेंज किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 battles तक मिल जाता है या फिर ये बर्ड्स मिल जाता है। आपको तीन तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके या फिर ये बर्ड्स मिल जाते हैं देख सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से इसे प्ले कर सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। अब आपको सेटिंग में चलिए हम दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा हमारा सेटिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर आपको ब्राइटनेस अगर आप वॉच फेसेस और म्यूट मारने के लिए अगर आप उसे अपने करते हैं तो देख सकते हैं करने का भी आपको नहीं बता देख सकता है। ये जो वॉच है इसको रिसेट कर सकते हैं, यहाँ पर रिंग जो कि आप वाइब्रेशन कुछ भी लेना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम के लिए भी दिया गया आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं सिस्टम रिस्टार्ट पावर ऑफ रिसेट करने के लिए। और यहाँ पर अबाउट में आपको इसका वर्जन मिल जाता है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर QR कोड स्कैन करने के लिए ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए दिया गया है ये। तो गाइस हमारे वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक फ़ोन ले लेते हैं, तो हमने फ़ोन को ले लिया है। हमें करना क्या है ये अपने वॉच में आपको अपने वॉच की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर अबाउट लेना है, अबाउट लेने में देख सकते हैं QR कोड दिया गया है। तो आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, आपको अपने फोन में आपको दिखाएगा गूगल के ऑप्शन को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए स्कैनर दिया गया है, गूगल के स्कैनर को खोलना है। आपको करना है ये यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DAQ के नाम से टाइप दिया गया है, आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस चलिए हम अपने फ़ोन में ऐप को ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किया था। तो हमने ऐप को ओपन कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दे रहा है, आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए ऐड टू का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईकॉन मैक्स का आ चुका है देख सकते हैं। तो हमें ईकॉन मैक्स अपने जो वॉच है उसका ईयर कर लेना है आप देख सकते हैं। तो हमारा वॉच जो है अभी अपने फ़ोन से कनेक्टिंग हो रहा है आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग लिख दिया, देखिए अभी नॉट कनेक्ट लिख रहा है। तो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा था, हमें क्या करना क्या है, तो हमें इसे ऑफ कर लेना है, अगर ना हो तो इसे आपको ऑफ कर लेना है। ऑफ होने के बाद फिर से इसको ऑन करना है आपको, यहाँ से रिमूव कर देना इसको। तो अपने वॉच को फिर से दोबारा ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वॉच ऑन हो गया। ऑन होने के बाद क्या करना है, फिर से आपको रिफ्रेशिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईकॉन मैक्स से आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोन वॉच कनेक्ट हो गया है। तो 60% इसका बैटरी चार्जिंग है, तो आप देख सकते हैं।
लेकिन गाइस ये वॉच अभी भी आपके फ़ोन से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, ये ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्कैन करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट वॉइस इकॉन प्रो, यहाँ पर देख सकते हैं इकॉन मैक्स फ़ोन का जो कि ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर क्लियर करा लेना है। आप देख सकते हैं तो अभी ये क्लियर हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो आप कुछ इस तरीके से इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है, जो कि आप कॉलिंग वगैरह आपको हर एक फीचर्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम अपने वॉच के स्पीकर क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, तो हम अपने वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको म्यूज़िक सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का वॉच का म्यूज़िक है, जैसा कि आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इसका वॉइस काफ़ी अच्छा है। तो आपने वॉइस तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि इसका जो स्पीकर क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसका जो बेल्ट क्वालिटी मैंने बताया ये काफ़ी बढ़िया ये भी है। तो चलिए वॉच को मैं अपने हाथ में पहन के दिखा देता हूँ। ये वॉच हाथ में पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हाथ में पहनने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये इसका लुक है, काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है, देख सकते हैं। तो इस वॉच में आपको 68 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो कि अब बारिश वगैरह में आसानी से सर्वाइव कर पाएगा ये, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया इसमें दिया गया है, जो कि पानी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बारिश वगैरह में आसानी से सर्वाइव कर लेगा। और बात करें इसकी स्पीकर क्वालिटी की, तो आपने देख ही लिया होगा कि इसकी स्पीकर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। इसमें आपको दो माइक्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, और इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, हार्ट रेट और बीपी SpO2 जैसे ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो मैंने इसे 1299 में ऑनलाइन परचेज किया था, जो कि फ़्लिपकार्ट से। तो अगर आपको भी बाई करना है तो आप भी बाई कर सकते हैं, मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।